शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में बची भगदड़, 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल, गंभीर घायलों को गया अस्पताल किया गया रेफर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद आक्रोश, आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेंगी चुनिंदा सेवाएं, बीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने रखी सीबीआई जांच की मांग। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन, निवेशकों से सावधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार, विपक्षी दल जांच की मांग पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले, दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई, तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर भी होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे, पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, इस पूरे सप्ताह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश के आसार। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर, भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज, हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक का समापन, मनु भाकर और श्रीजेश ने थामा तिरंगा, स्टेड दी फ्रांस स्टेडियम में थिरके सितारे।